हम ज्यादा कुछ बता नहीं सकती, लेकिन जी हाँ, राधिका को थप्पड़ पड़ा है। और क्यों पड़ा है उसके लिए शो देखना पड़ेगा। क्यों का जवाब नहीं दे सकते हैं, बस पड़ा है और पड़ा है। नहीं, हम दोनों शॉट के पहले, आप लोग थे यहाँ पे, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा नर्वस थे। आई वॉज नर्वस कि थप्पड़ पे रिएक्शन कैसा, यू नो, थप्पड़ मिलेगा उसका नर्वसनेस था और इसे थप्पड़ मारने का नर्वसनेस था। मुझे लगा अगर जोर से मारूंगी तो बेचारी क्लोज क्लोज तक पहुँचेंगे तो लाल गाल मिलेगा इनको, तो मेकअप से काफ़ी हाइड करना पड़ेगा। तो मुझे पता नहीं था कितने इंटेंसिटी के साथ थप्पड़ मारूं मैं। नहीं, पर जितनी भी इंटेंसिटी थी ज़्यादा हार्ड नहीं थी। वही राधिका, जैसा कि आपको पता है कि राधिका सैम के लिए कुछ भी कर सकती है और उसके लिए हमेशा सैम एक प्रायोरिटी रही है, तो बस उसी चीज़ को अपने जहन में रखते हुए राधिका ये सब कुछ कर रही है। वो सैम की ज़िंदगी बचाना चाहती है और हाँ, कुछ कुछ तो उसे ऐसी चीज़ पता चली है जिसके कारण वो सैम को उस दलदल से निकालना चाहती है। राधिका के पास अभी कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसे, उसके मन में ये बात है कि सैम मुझ पर विश्वास करती है तो मैं उसे कहूँगी तो वो मान जाएगी। हाँ, इससे पहले भी दो बार ही मुझे आकर बता चुकी है कि यू नो, अर्जुन तुम्हें फंसाना चाहता है, नंदनी दी तुम्हें फंसाना चाहती है, या अर्जुन बॉनी का कुछ चल रहा है, ये वो। और लास्ट दो बार मैंने विश्वास किया कि राधिका मेरी दोस्त है और ये कभी झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन इस बार काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ बोल रखा है सैम को, और इस बार तो बस एक और बार इसने अर्जुन और मेरे बारे में या उसके खिलाफ कुछ बोला। जी, क्योंकि नंदनी का एक मास्टर प्लान है और उस मास्टर प्लान के बीच राधिका आ रही है, तो नंदनी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसे उस मास्टर प्लान से हटवाए, क्योंकि जब तक ये रहेगी वो मास्टर प्लान कभी पूरा नहीं होगा। वही राधिका ने अर्जुन सर के फ़ोन में एक वीडियो देखा था जिसमें दुकान जलने का वीडियो था। इनफैक्ट उसमें ये भी कहा गया था कि नंदनी दी काम हो गया, तो वो उसके लिए बहुत ही बड़ा सबूत था कि अर्जुन सर के फ़ोन में वीडियो क्या कर रहा है। वीडियो में कोई इंसान ये क्यों कह रहा है कि नंदनी दी काम हो गया, मतलब कि उन्होंने जानबूझ के आँख लगवाई है। तो बस इसी के बेसिस पे वो आके ये बात सैम को कहना चाह रही है कि इन्होंने ही आँख लगवाई है, लेकिन चूँकि उसके पास कोई सबूत नहीं है, कोई उस पर विश्वास करने की नहीं कर रहा है। राधिका एक अभी वन मैन आर्मी हो गई है, क्योंकि सबके सब, मतलब यहाँ तक कि उसकी खुद की फैमिली उस पर विश्वास नहीं कर रही है। शायद ये राधिका के लिए सबसे बड़ा झटका है। सैम नहीं कर रही है, पर उसने कोशिश की सैम को समझाने की, लेकिन अब तो उसकी खुद का परिवार उसको विश्वास नहीं, उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। तो हाँ, राधिका भी काफ़ी टूट गई है। देखिए, राधिका कभी हार मानने वालों में से नहीं है, वो बहुत ज़िद्दी है। अगर उसे कुछ पता है और उसे अपने दिल पे विश्वास है कि जो मैंने देखा है या मैंने सुना है या मुझे जो पता है वो सच है, फिर तो वो कोई भी रास्ता निकालेगी और सैम को बचाएगी। दरार तो आ चुकी है, अब थप्पड़ मार लिया समायरा ने राधिका को, तो दरार तो आ चुकी है, लेकिन ये दरार कैसे पूरा होगा? क्या समायरा को कभी सच पता चलेगा? क्या ये दरार राधिका को किस हद तक रोकती है? ये तो सवाल है जिनके जवाब आपको शो देखकर पता पड़ेगा।